दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक, अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए अपने नाम की चर्चा पर बोले राहुल, मैं इस पर करूंगा विचार। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक, सोनिया गांधी का असंतुष्ट नेताओं को दो टूक संदेश, मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर जमकर हुई चर्चा, सोनिया गांधी ने महंगाई, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी और चीन को लेकर सरकार पर जमकर किया हमला। परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव का रोड मैप तैयार करें, सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2022 में हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें कई दफा। पंजाब से आई कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर, नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने रहने को तैयार। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मेरे जो भी मुद्दे वो सब हल हो गए, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखेंगे। कंसर्न थे, मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए, सर सामने सामने वो सब सॉर्ट आउट। बीजेपी का कांग्रेस पर वार, गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस में नहीं बचा है आंतरिक लोकतंत्र, कपिल सिब्बल ने अपने विचार व्यक्त किए तो उनके घर पर हमला हुआ। गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी पर सेलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की बर्बर हत्या और सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या का जिक्र। बीजेपी ने किया सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है और दलितों की बर्बर हत्याओं पर करती है समर्थन? मन से ही सही, लेकिन सभी नागरिकों को करिएगा कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, कि भारत के साइंटिस्ट डॉक्टरों ने जो कार्य कर दिखाया है उसके लिए देश गौरवान्वित है, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। एक छोटा सा धन्यवाद। अंडमान दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने 299 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। अमित शाह ने अंडमान में पानी और स्वच्छता के लिए प्रयासों की जमकर सराहना की। अमित शाह ने अंडमान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 49 वेलनेस सेंटर का हवाला दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आजादी के नायकों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया जिक्र, कहा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी का अगला जन्मदिन। कुछ इसी प्रकार का न्याय हुआ, बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। महाराष्ट्र में ड्रग्स और एनसीबी की कार्रवाई पर गरमाई, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से सवाल किया, एनसीबी की हर रेड में कैसे पहुंच जाते हैं फ्लेचर पटेल? नवाब मलिक ने कसा तंज, क्या फ्लेचर पटेल आदतन गवाह हैं? सारे छापेमारी में फ्लेचर पटेल कैसे बन जाते हैं पंच? क्या फ्लेचर पटेल आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं? नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ड्रग केस में फिल्म स्टार को फंसाने का काम कर रहे हैं। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जिसे लेडी डॉन बताया जा रहा है, उन्होंने पूछा समीर वानखेड़े बताएं वो महिला कौन है? समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं? लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है? फ्लेचर पटेल ने मंत्री नवाब मलिक पर पलटवार किया, ड्रग केस में नवाब मलिक पर मुद्दे से भटकाने का आरोप। को ऐसे नहीं लगते कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे कुछ? ये 10-15 दिन के बाद 10-15 दिन के पहले
उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए उनका पता लगे। ड्रग्स केस में कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीबी की कार्यशैली पर उठाया था सवाल, कहा था सेलिब्रिटी को पकड़कर ढोल बजाना बंद करें जांच एजेंसियां। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार, उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार दिया करार, कहा महाराष्ट्र को नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल। कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होने देते, अगर इसका दुरुपयोग होता तो आपका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। हिंदुत्व के मुद्दे पर संघ और बीजेपी से सवाल करने और लखीमपुर कांड का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री उद्धव पर बिखरी बीजेपी, किरीट सोमैया ने सत्ता के लिए विश्वासघात का आरोप लगाया। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए स्वयं की जान देने तैयार थे और ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए विश्वासघात करके हिंदुत्व के पीठ पे छुरा भोंकने वाले नया हरा रंग धारण करने वाले पूर्वज की बात करते तो बाला साहब की ओर देख लेते जरा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर 2100 करोड़ के नए घोटाले का आरोप लगाया, कहा सीएम उद्धव ने अपने करीबी को पहले सस्ते दाम में सरकारी जमीन बेची, बाद में महंगे दर पर खरीदी। किरीट सोमैया के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी बिल्डर को पहले कोविड अस्पताल बनाने के लिए 62 करोड़ में जमीन बेची, वही जमीन बाद में 2100 करोड़ रुपए में खरीदी। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का कोच बनना लगभग तय, T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री की जगह संभालेंगे कमान। बीसीसीआई सूत्रों से खबर, नई जिम्मेदारी के लिए द्रविड़ तैयार, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह से हो चुकी है बात। मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट T20 वर्ल्ड कप के साथ हो रहा है खत्म, उसके बाद राहुल द्रविड़ बनेंगे टीम इंडिया के मुख्य कोच। बीसीसीआई ओमान और यूएई में T20 वर्ल्ड कप की कर रहा है मेजबानी, भारत अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भी T20 टीम के कप्तान के रूप में छोड़ देंगे पद। IPL ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी ने किया फैंस का शुक्रिया अदा, कहा दुबई हो या चेपक, चेन्नई के फैंस हैं हर जगह। गौतम गंभीर ने धोनी की जमकर तारीफ की, बोले धोनी की शानदार रणनीति ने CSK को बनाया चैंपियन। धोनी ने IPL से रिटायरमेंट के कयासों पर लगाया विराम, कमेंटेटर हर्षा भोगले के एक सवाल पर बोले मैंने अभी तक IPL छोड़ा नहीं है। ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी साक्षी और बेटी जिहवा की तस्वीर हो रही है वायरल, तस्वीर में धोनी दोनों को गले लगा रहे हैं। IPL का खिताब जीतने के बाद MS धोनी ने KKR के लिए कही बड़ी बात, बोले IPL जीतने की असली दावेदार थी KKR की टीम। टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर असम सरकार की शानदार पहल, दार्जिलिंग में पर्यटकों की मांग पर हफ्ते में 2 बार चलेगी जॉय राइड। वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए गुड न्यूज, पर्यटकों के लिए फिर से खुले जूनागढ़ के गिर के जंगल। प्रयागराज को मिली बड़ी परियोजनाओं की सौगात, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया फ्लाईओवर का शिलान्यास। यूपी चुनाव से पहले 31 अक्टूबर को RLD जारी करेगी मैनिफेस्टो, स्कॉलरशिप, ई बसेस जैसे कई लुभावने वादों से वोट बैंक बनाने की तैयारी। CM योगी आदित्यनाथ की बाल सेवा योजना से 6000 बच्चों को सीधा फायदा, माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चे को हर महीने 2000 रुपए देने का प्रावधान। 2022 में यूपी चुनाव में दलितों को साधने में जुटी सपा, अम्बेडकर वाहिनी के गठन का ऐलान, मिठाई लाल भारती बने अध्यक्ष। गुजरात सरकार अब आदिवासी वोट बैंक पर सेंध मारने की जुगत में, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले आदिवासियों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता। प्रगति मैदान मेले में दिखेगी दिल्ली के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर, राजधानी की पहली टनल रोड में तेजी से चल रहा है काम। अलवर जिले के 2 परीक्षा केंद्रों में रीट का हुआ दोबारा एग्जाम, पेपर लेट पहुंचने पर इन सेंटर्स पर हुआ हंगामा, इसलिए सरकार ने दिया एक और मौका। मनसुख मांडविया और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वैक्सीनेशन एंथम लॉन्च किया, मशहूर गायक कैलाश खेर ने किया गाया एंथम। जनता भर महंगाई की फिर पड़ी मार, पेट्रोल डीजल के दाम में और इजाफा। MP के बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड, बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपए 44 पैसे। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे महंगा,
अब एक लीटर पेट्रोल का दाम 105.49 रुपए। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दाम में भी दो बार हुआ इजाफा, करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। दो दिन पहले पीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का इजाफा। कश्मीर में स्थानीय निवासियों की हत्या का सुरक्षा बलों ने लिया बदला, 10 दिन के अंदर 9 एनकाउंटर में 13 आतंकवादियों का सफाया, मारे गए आतंकियों में एक लश्कर कमांडर भी शामिल। जम्मू कश्मीर के मेंढर में आज फिर आतंकवादियों ने की फायरिंग, मुठभेड़ जारी। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, एक आतंकी ढेर, श्रीनगर के आतंकी हमले में था शामिल। श्रीनगर के बेमिना इलाके में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू के पुंछ में 14 अक्टूबर की शाम से जारी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, दहशतगर्दों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान, अब तक 97.23 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। पिछले 24 घंटे में 8,36,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार, रिकवरी रेट बढ़कर 98%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग, पिछले 24 घंटे में 17,861 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3,34,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना को मात दे चुके हैं, आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत पहले के फेज का आगाज, फर्स्ट फेज में 22 भवनों को तोड़ने का काम शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर घटना में मारे गए शख्स के परिवार को 50,00,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के नए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर साधा गहलोत सरकार पर निशाना। पर्यटकों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी, फेस्टिव सीजन में देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगी जैकलिन फर्नांडिस, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए भेजा था समन। रोहतक में राम और रावण ने किया एक साथ रक्तदान, बोले रक्तदान महादान। रामलीला में रावण बने लीलाधर ने 25 बार किया है रक्तदान, राम बने ब्रजेश तिवारी पहली बार कर रहे हैं रक्तदान। ग्रेटर नोएडा में 180 गरीब मजदूरों का सहारा बनेंगे श्रमिक आश्रय स्थल और रेन बसेरा, प्राधिकरण ने जारी किए टेंडर, 3 करोड़ रुपए होंगे खर्च। त्योहारी मौसम में ग्रेटर नोएडा को चमकाने के लिए विशेष सफाई अभियान का आगाज, 1200 कर्मचारी दिन में और 300 कर्मचारी रात में करेंगे सफाई। गुजरात के कच्छ में 70 साल की महिला बनी मां, आईवीएफ से दिया बच्चे को जन्म। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनांजा, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 7 पायदान नीचे खिसका भारत, अब दुनिया में 101वां स्थान। टाटा पंच को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, एक्सीडेंट के वक्त बड़े और बच्चे रहेंगे ज्यादा सुरक्षित, कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है मिड साइज एसयूवी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी देश की बेस्ट एम्प्लॉयर, फोर्ब्स ने जारी की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट, भारत की 19 कंपनियां शामिल। अगले 6 महीने में 1,25,000 फ्रेशर्स को जॉब की उम्मीद, बड़े पैमाने पर भर्ती कर सकती है इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां। चीन और रूस की नौसेनाओं ने रूस के ग्रेट गल्फ में किया संयुक्त युद्धाभ्यास, रविवार तक चलने वाले युद्धाभ्यास को माना जा रहा है दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य सहयोग का संकेत। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शेप्स ने सप्लाई चेन की वजह से हुए तेल संकट से किया किनारा, कहा कोरोना महामारी के दौर में ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई चेन की बढ़ी है समस्या। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की वापसी, नए कार्यकाल के लिए चुना गया सदस्य, ट्रंप काल के दौरान हुआ था बाहर। अलगाववादी क्षेत्र को स्वायत्तता देने के लिए सरकार के समझौते का यूक्रेन में विरोध, कीव में 5,000 से ज्यादा लोगों ने निकाला विरोध मार्च। फिलीपींस में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, फिलीपींस में किशोरों के बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के बाद लिया गया फैसला। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक अस्पताल में 60 किशोरों को दी गई फाइजर की कोरोना वैक्सीन।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स राज्य में वैक्सीन ले चुके लोगों को क्वारंटीन न रहने का आदेश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राजधानी पेरिस में आयोजित चैरिटी सॉकर मैच में लिया हिस्सा। फ्रांस हॉस्पिटल फाउंडेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए हुआ था चैरिटी सॉकर मैच का आयोजन। मोटर रेस चैंपियनशिप फार्मूला वन का शेड्यूल कैलेंडर हुआ जारी। कैलेंडर से लगातार तीसरी बार चाइनीज ग्रांड प्री को रखा गया बाहर। इटली में रोम में फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। 24 अक्टूबर तक 23 अलग अलग देशों की 23 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। देशभक्ति वाली फिल्म में एक बार फिर नजर आएंगे अक्षय कुमार। वॉर हीरो मेजर जनरल यान कोडार्जो की भूमिका निभाएंगे अक्षय कुमार। फर्स्ट लुकआउट। वन माइक स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज। स्टैंड अप कॉमेडी करते दिखेंगे करण जौहर। शो में नजर आएंगे करण जौहर, सनी लियोनी और चेतन भगत और रैपर रफ्तार भी। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने करवाया फोटोशूट। खूबसूरती में फिर दी यंग एक्ट्रेस को मार।